गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर आपके मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं एग्जाम में? सौरभ कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे एग्जाम में? कैसे एग्जाम में अभी कौन कौन से टॉपिक्स आने हैं मैथ्स के? चैप्टर सर? हाँ सर, फर्स्ट सेकंड थर्ड सर फिफ्थ आएगा कॉम्प्लेक्स सर। फिफ्थ ही करा रहे हैं जी सर मैं सर। अच्छा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फिफ्थ, राइट? यस सर। अच्छा, तो चलिए हम शुरू करते हैं। अभी आज मेरे ख्याल से एग्जाम नजदीक है तो थोड़े शायद स्टूडेंट्स कम आ रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन शुरू करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमारा जो है इसमें जो बेसिक्स हम सब कवर कर चुके हैं, ठीक है, आपकी जो है शुरू की दो एक्सरसाइजेस भी इससे हो जाएंगी। इस चैप्टर में होने को चार एक्सरसाइजेस हैं, लेकिन लास्ट तो हमारे इस बार कोर्स में है नहीं, ठीक है। तो जो मल्टीपल सॉल्यूशंस टू ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है वो तो नहीं है। तो ये जो आइडेंटिटीज वाला पार्ट है यही पार्ट बचा है, और ये जो है इस पार्ट में केवल जो बड़ी चीज है और जहाँ पे थोड़ा सा तकलीफ आ सकती है वो है इन आइडेंटिटीज को याद रखना, ठीक है। तो हम जो है इन आइडेंटिटीज के सारे डेरिवेशन वगैरह करने की अभी कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन इन आइडेंटिटीज को समझेंगे, ठीक है, और ये देखेंगे कि क्या थोड़ा सा याद रखने में कुछ आसानी हो सकती है, क्योंकि एक बार आप इनको समझने की दृष्टि से पढ़ेंगे तो थोड़ा सा याद रखने में आसानी रहेगी, वरना कभी कभी मुश्किल आती है, ठीक है। तो ये वो आइडेंटिटीज हैं जो कि हम पहले से जानते हैं, क्लास 10 में हम कर चुके हैं, ठीक है। ये पहली आइडेंटिटी बेसिक आइडेंटिटी है, बाकी दो बेसिक डिवीजन करने से ही हमें मिल जाती है। अगर हम कॉस स्क्वायर एक्स से इस इक्वेशन को डिवाइड करते हैं तो ये आ जाती है, और साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते हैं तो ये वाली आइडेंटिटी आ जाती है, ठीक है। तो ये याद होनी चाहिए, लेकिन क्या होता है कि हमें याद रखनी पड़ती है सब। हम ये सोचेंगे कि हम डिराइव कर लेंगे, तो फिर जब हमें क्वेश्चन को फॉर्म से एक दूसरे फॉर्म में लाना है तो हम ये पहचान नहीं पाएंगे कि कौन सी आइडेंटिटी से ये चेंज होगा। इसलिए इनको याद रखना जरूरी है, केवल हम डिराइव करके काम नहीं चला सकते, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि पहला सेट ऑफ जो हमारी आइडेंटिटीज हैं वो जो है वो टू एंगल आइडेंटिटीज हैं, यानी कि इस आइडेंटिटी में हम किसी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को एक सम या एक डिफरेंस ऑफ एंगल्स में अगर हमें पता है तो हम उसे इंडिविजुअल एंगल्स में कैसे ब्रेक करते हैं, ये आइडेंटिटीज का काम, ठीक है। तो अब अगर आप इसको बुक में देखेंगे तो ये आपको आठ आइडेंटिटीज वहां पे दिखाई देंगे। मैंने उन्हें कंडेंस करके चार में लिख दिया, ओके। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस तरह से याद रखेंगे तो आपका काम भी कम हो जाएगा और गलती होने के चांस भी कम हो जाएंगे। तो आप इनको चार आइडेंटिटी की तरह ही याद करिए, ठीक है। तो ये जो पहली आइडेंटिटी है दिस इज एक्चुअली द बेसिक वन, ओके। इसको पहले हम समझ लेते हैं। ये आइडेंटिटी क्या बोलती है कि कॉज ऑफ अ सम और डिफरेंस ऑफ एंगल्स, ओके, इज कॉज एक्स कॉज वाई माइनस प्लस साइन एक्स साइन वाई। मतलब कि अगर यहां प्लस है तो यहां माइनस आएगा एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग पार्ट इस चीज में जो याद रखने का है पहली आइडेंटिटी में, देखिए कॉस कॉस साथ में है, साइन साइन साथ में है, और जो साइन है अगर एक्स प्लस वाई है तो यहां पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। पहले कॉस की टर्म आती है बाद में साइन की आती है,
इस तरह से थोड़ा सा, अगर किसी को ने याद अभी नहीं किए हैं तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर कोई कर चुका है तो मेरा एक्सप्लेनेशन की भी आपको जरूरत नहीं होगी, ठीक है। अगर किसी को लगे ये सब नहीं चाहिए तो बोल सकता है। फिर जो साइन वाला है, ठीक है, इसमें साइन कॉज होता है फिर कॉस साइन होता है, और यदि अगर यहाँ माइनस है तो बीच में माइनस ही आता है, लेकिन किस टर्म से पहले माइनस आता है आप ये नोटिस करिए कि जो नेगेटिव टर्म है, जैसे यहाँ पे अगर y नेगेटिव टर्म है तो जब वो साइन में आएगी वो टर्म तब नेगेटिव आएगा, ओके। तो इस तरीके से आपको याद रखने में थोड़ी आसानी होगी। फिर tan का है, tan का tan x plus minus tan y upon 1 minus plus tan x y, so नीचे जो है साइन उल्टा होता है, ऊपर सेम होता है जो यहाँ पे, ओके। और cot वाले में थोड़ा सा इसका ऑलमोस्ट उल्टा फॉर्म है अगर आप देखें, क्योंकि क्या होता है कि cot x y minus plus 1 होता है, ठीक है। एक तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज हो गए और जो प्लस माइनस वाली चीज है वो भी उल्टी हो गई, तो दोनों चीजें उल्टी हो रही है इसमें, ठीक है। तो ऊपर आ गया ये और उसमें भी साइन उल्टा हो गया कि जो 1 माइनस टेन एक्स टेन वाई था इसमें कॉट एक्स वाई कॉट वाई माइनस 1 हो गया, तो उल्टा हो गया। उसी तरह से ऊपर भी एक्स और वाई था, यहाँ पे भी कॉट वाई प्लस माइनस कॉट एक्स, ठीक है। तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं, बेसिक आइडेंटिटीज हैं डबल एंगल में, ये याद रख। अब ये वाली आइडेंटिटीज हम देखते हैं जो डबल एंगल आइडेंटिटीज हैं, ठीक है। तो पहली आइडेंटिटीज हो गई सम ऑफ टू एंगल्स, और ये डबल एंगल आइडेंटिटीज में कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हमने क्या किया है, एक्स और वाई दोनों को, एक्स की जगह भी एक्स लिख दिया, वाई की जगह भी एक्स लिख दिया, और उन्हीं आइडेंटिटीज से ये आइडेंटिटीज डायरेक्टली डिराइव हो गई। लेकिन अगर हम इनको याद नहीं रखते इस फॉर्म में तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को करने में समय ज्यादा लगेगा, ये शॉर्टकट है जब डबल एंगल हो, ऑल्दो इनको डिराइव पहली वाले सेट से इजिली किया जा सकता, ठीक है। तो इस वाले में आप देखेंगे कि एक ही चीज को हम कई तरह से लिखते, ठीक है। जैसे कॉज वाला जो फॉर्म है ये सबसे ज्यादा यूजफुल होता है, आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा हम यही यूज कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स टेंड टू यूज दिस फॉर्म, एंड द रीजन इज बिकॉज दिस कैन बी रिटन इन सो मेनी फॉर्म्स, सो टू मेक द क्वेश्चन मोर डिफिकल्ट दैट विच पार्ट टू टेक द एग्जामिनर्स ट्राई टू यूज दिस फॉर्म अलॉट, ओके। तो ये कॉज स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स भी हो सकता है, टू कॉज स्क्वायर एक्स माइनस 1 minus 2 sin square x and a very different form altogether, which is in form of 10, 1 minus 10 square x by 1 plus 10 square x, ठीक है। तो ये सारे के सारे फॉर्म हम 10 की फॉर्म में भी लिख दें, because this helps in manipulation, especially later when we do calculus, these are also very helpful forms, okay। तो ये sin 2x का है और 10 का है, तो ये याद रखने के काम है, ठीक है। फिर हमारे पास थ्री एंगल आइडेंटिटीज भी हैं, इनको प्रूव करना भी बहुत आसान है। इनको हम इस तरह से प्रूव करेंगे कि अगर हमारे को पहले वाले को प्रूव करना है तो हम इसको इस तरह लिख लेंगे, राइट, या फिर ये तो हो गया हमारा 2x। नाउ सम ऑफ एंगल्स का जो हमारी आइडेंटिटी है वो यूज करके हमारे पास एक सॉल्यूशन आ जाएगा, उसमें कुछ 2x वाले टर्म होंगे, उनमें हम डबल एंगल वाला आइडेंटिटी यूज करेंगे और फाइनली सॉल्व करते जाएंगे, हमारे पास ये रिजल्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये अगेन साइन कॉज और टेन में ये रिजल्ट हमें याद है, ओके। प्रूव करना आसान है इनको, आप वो ट्राई करिए घर पे, हो जाएगा। जो कठिन प्रूफ है इसमें वो केवल पहला प्रूफ है, ये वाला, राइट, बिकॉज वी हैव टू गेट स्टार्टेड समवेयर, दिस प्रूफ इज डन बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ओके। इट इज आल्सो प्रेजेंट इन द बुक,
If you want, please go and read it. It will, the knowing the proof will not help you solve the problems. ठीक है, लेकिन देखना जरूर चाहिए कैसे करते हैं. Now we come to the next set. Okay, ये जो है पहले वालों में क्या हो रहा था, पहली हमारी आइडेंटिटीज इस तरह से थी कि कॉज एंड सम ऑफ एंगल्स. ठीक है, तो उसके लिए हमने आइडेंटिटी बनाई हुई. यहां हमारी आइडेंटिटीज बिल्कुल अलग है. यहाँ पे क्या है, सम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है जिनको हम प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में बदल रहे हैं. ठीक है, तो जैसे सम ऑफ टू कॉज, सम कॉज एक्स प्लस कॉज वाई को हमने प्रोडक्ट ऑफ टू कॉजेस लिख दिया. तो ये वाली आइडेंटिटीज बोथ वे यूज होंगी. ठीक है, इससे ये बनाना और इससे ये बनाना, दोनों तरह से ही यूज होगा. ठीक है, ये आपको याद रखना. इसमें कुछ समझाने के लिए मेरे पास ज्यादा नहीं है. इनको अगर प्रूव करना है तो प्रूव हम इनको कर सकते हैं आसानी से यूजिंग द प्रीवियस आइडेंटिटीज. ये वाली आइडेंटिटीज की फॉर्म में लिखकर देन वी कैन सब्ट्रैक्ट और ऐड टू इक्वेशंस डिपेंडिंग ऑन व्हिच आर दोस टू इक्वेशंस एंड वी गेट दिस आइडेंटिटीज. सो दे आर इजी टू प्रूव अगेन. ओके, लेट्स डू अ कपल ऑफ क्वेश्चंस एंड देन वी विल सी व्हाट नेक्स्ट. राइट, सो समबडी शुड हेल्प मी डू इट. आपको आइडेंटिटीज याद नहीं भी हो तो कोई बात नहीं है. फिलहाल आप ये बोल सकते हैं कि कौन सी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं इसमें. तो अब हमें ये प्रूव करना है. राइट, तो हम एलएचएस से शुरू करेंगे. कैन समबडी टेल मी व्हाट विल बी आर अप्रोच. साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी की यूज करेंगे. ठीक है, तो साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है. हमने कहा कि उसमें साइन कॉज उल्टे सीधे होते हैं. ठीक है, तो साइन एक्स कॉज वाई. ओके, और प्लस है तो प्लस ही रहेगा और साइन वाई कॉज एक्स. ओके, अब हम नीचे लिख लेंगे. नीचे क्या आएगा हमारा, साइन एक्स कॉज वाई माइनस साइन वाई कॉज एक्स. ठीक है, तो ये हमने आइडेंटिटी यूज की और ये हमारा एलएचएस बन गया. अब हम क्या कर सकते हैं नेक्स्ट, हाउ डू वी गेट इट इनटू दिस फॉर्म. राइट, अब हमारा आइडेंटिटी का काम पूरा हो गया. उसके बाद तो हमारा जो बेसिक मैनिपुलेशन होता है, जो आपने क्लास 10 में भी किया, इसकी प्रीवियस एक्सरसाइजेस में भी किया, वो बस मैनिपुलेशन रह गया है. आइडेंटिटी का काम पूरा. तो अब हम इस फॉर्म में इसको कैसे लाएंगे. देखिए, cos x y से डिवाइड करके. हाँ बिल्कुल, और वो आइडिया हमें कैसे आया, हमें ये तो हमें ये पता है कि किसी तरह इसके नीचे हमें cos x लाना है, तो हमें cos y से डिवाइड करना पड़ेगा. लेकिन यहाँ पे हमें नीचे sin y लाना है तो cos x से डिवाइड करना है, यहाँ है ना. तो sin x cos y, sin सॉरी cos x cos y से ऊपर नीचे दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे. राइट, देन इट इज वी विल डायरेक्टली गेट दिस फॉर्म. राइट, सो वी विल गेट sin x cos y बाय cos x cos y प्लस sin y cos x बाय cos x. एंड सिमिलरली वी कैन राइट दिस. तो उसमें होता क्या है, ये कैंसिल होगा, यहाँ पे ये और ये कैंसिल होगा, तो ये हो गया हमारा 10x प्लस ये हो गया 10. ओके, और उसी तरीके से हमें नीचे 10x माइनस 10y मिल जाएगा. ठीक है, द क्वेश्चंस आर सिंपल इफ यू कैन रिमेम्बर द आइडेंटिटीज. नाउ हाउ वी नो कि हमें ये 15 का तो हमने कभी याद किया नहीं है, तो हाउ विल वी फाइंड द साइन ऑफ 15. द साइन 45 माइनस 30. हाँ, तो वी विल राइट इट एज अ सम और अ डिफरेंस ऑफ सम नोन वैल्यूज.
ओके, हमें साइन 45 डिग्रीज कॉस 45 डिग्री सब पता है तो हम वो यूज कर सकते हैं। माइनस 30 डिग्री हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, उसके बाद जो है हमको आइडेंटिटी यूज करनी है, तो हम कहेंगे साइन 45 डिग्रीज कॉस 30 डिग्रीज माइनस साइन 30 डिग्रीज कॉस 45। ओके, नाउ व्हाट इज साइन 45 डिग्रीज? 1/√2। 1/√2 एंड कॉस 30 डिग्रीज? √3/2। वेरी गुड। माइनस एंड साइन 30 इज 1/√2 एंड कॉस 45 डिग्रीज इज सेम एज साइन 45 1/√2 राइट, सो वी कैन टेक 1/√2 2 इज आल्सो कॉमन एंड वी गेट √3 -1 इनसाइड द ब्रैकेट। ओके, दिस इज आवर आंसर। You can write it simply like this. You don't need the pen. Okay. So this is our answer. Okay. So this is one type of problem. Now, how do we do this? Prove that this is equal to cos x. Okay. So there is nothing to be done in this at all, right? This is the direct application of the identity. कौन सी identity होगी? Sin sin साथ में है, फिर cos cos साथ में और बीच में plus है, तो कौन सी identity बनेगी ये? cos x plus y. cos x minus cos y. हाँ, माइनस आएगा क्योंकि देखिए sin sin साथ है, cos cos साथ है, तो ये cos की कोई identity है, ठीक है, और बीच में है प्लस, तो इसका मतलब बीच में माइनस आएगा, तो कॉस ए माइनस बी, ठीक है। देखिए मैं इसको कॉस एक्स माइनस वाई बी इसलिए नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे पढ़ाते वक्त, क्योंकि यहाँ पे एक्स है, वी डोंट वांट टू कंफ्यूज, इसलिए मैंने अलग वेरिएबल्स यूज कर लिए। आई विल जस्ट राइट द आइडेंटिटी फॉर एवरीबडीज हेल्प। इसमें हम पहले लिखेंगे कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन। ओके, तो अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो है ए कौन सा है और बी कौन सा है, ठीक है। साइन में कॉज में एक्चुअली हमें फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव। व्हाई? बिकॉज कॉज ऑफ ए इज इक्वल टू कॉज ऑफ माइनस, राइट। ये भी आइडेंटिटी आपको पता है हमने की थी, राइट तो इसलिए कॉज में हमें ए और बी कौन सा नेगेटिव पॉजिटिव है का फर्क नहीं है। तो लेट्स से वी टेक दिस एज ए एंड लेट्स से वी टेक दिस एज बी। ओके, सो वी जस्ट हैव टू राइट इट इन दिस फॉर्म। ओके, सो दिस थिंग इज इक्वल टू कॉज, दिस एंटायर थिंग इज इक्वल टू कॉज ऑफ व्हाट? ए व्हिच इज एन प्लस वन एक्स माइनस एन प्लस टू। ओके, दिस इज कॉज ऑफ माइनस एक्स व्हिच इज सेम एज कॉज ऑफ एक्स। ओके, इफ आई वुड हैव चोजन दिस एज बी एंड दिस एज ए बिकॉज आई कैन डू दैट, इट्स अ सिमेट्रिक फंक्शन, ओके, देन आई वुड हैव, there was no need for this extra step. Okay, so you can do that, that's actually a smarter way of doing it. Okay, but it doesn't make a difference. Okay, how will we do a question like this? So आता हूं।
वेरी वेरी गुड राइट. तो हम ये कौन सी वाली आइडेंटिटी यूज करना चाह रहे हैं पहले हम ये देखते हैं, ठीक है. cos x plus cos y हम ये वाली आइडेंटिटी यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है. अब अगर हम ये वाली आइडेंटिटी यूज करना चाहते हैं तो हम इसमें ये देखते हैं आकर कि ये देखिए इसमें एक टर्म आती है जो ये होती है राइट, डिफरेंस बाय टू, एंड एक आती है एवरेज राइट. तो अब हम देखते हैं कि किन एंगल से वो हमें दूसरे में मिल जाएगा. जैसे कि अगर मान लीजिए हम ये यूज करें तो हमें cos 2x नहीं मिलता है किसी भी तरह से. अगर 4x और 3x का 4x plus 3x by 2 भी नहीं है 2x, और 4x minus 3x by 2 भी नहीं है 2x, तो इन दोनों को क्लब करके हमें कोई कॉमन टर्म्स नहीं मिलेंगे राइट. लेकिन अगर हम इन दो को क्लब करें राइट, तो हमें 4x plus 2x by 2 से 3x मिलता है. एंड वॉट ऑब्वियसली वी वॉन्ट टू रिड्यूस द नंबर ऑफ टर्म्स है, तो हम वी आर लुकिंग फॉर कॉमन टर्म्स राइट. और वो कॉमन टर्म्स हमको इन दोनों को क्लब करने से मिलेंगे ओके. और उसी तरीके से ऑब्वियसली यहाँ पे भी मिलेंगे. तो क्या बनेगा हमारा ये cos 4x plus cos 2x ओके. ये हम इस पे आइडेंटिटी लगाएंगे प्लस cos 3x इधर अलग. ओके मैं डिस्टेंस बढ़ा के लिख रहा हूं जस्ट टू एक्सप्लेन. ओके सो व्हाट इज दिस आइडेंटिटी नाउ, यहां लिखते हैं cos a प्लस cos b. ये क्या रिजल्ट होता है इसका, टू दोनों टर्म्स क्या आएंगे हमें इसमें साइन ए प्लस बी, हमें दोनों टर्म्स कॉस के आएंगे राइट प्लस वाले. तो क्या आएगा कॉस ए प्लस बी बाय टू कॉस ए माइनस बी बाय टू राइट. तो वो हमारा यहाँ आ गया, क्या आ गया टू कॉस ए प्लस बी बाय टू इज थ्री एक्स और a माइनस बी इज cos x, दिस इज cos x ओके प्लस cos x. अब sin a प्लस sin b की क्या होती है आइडेंटिटी, क्या होगी sin a प्लस sin b की, टू सर टू sin 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 a b upon 2 a plus b plus b, b upon 2 and cos or cos a minus sin a minus, a minus b upon 2 cos a minus b by 2 okay. negative term में cos आएगा, ठीक है, जिसमें negative. तो अब हम वो लिख लेते हैं हमारा, तो ये आ जाएगा sin नहीं नहीं नेगेटिव टर्म में साइन आएगा. आई एम माय सेल्फ कंफ्यूज नाउ ओके. नेगेटिव टर्म में कॉस आएगा और हाँ सो आई हैव डन इट करेक्ट राइट. सो साइन 3x cos x प्लस साइन 3x राइट. Now we can take what common here, sin 3x, cos 3x ऊपर common ले सकते हैं, sin 3x नीचे common ले सकते हैं. तो लेते हैं cos 3x 2 cos x plus 1 और नीचे आएगा sin 3x 2 cos x plus 1. Okay. Now this gets cancelled. And this is cot. Okay, so it's a straight away it's a simple problem.
The only thing you have to see is which ones to club, okay? So that you can get a common term. That is the only thing to think about in this. Otherwise, if you remember the identities, there is no problem in doing such a question. Okay? So actually, बहुत ज़्यादा variety है ही नहीं in questions में. So you can actually go ahead and do this exercise, right? Now we still are left with some time, I guess. How much time we have? We have another 15 minutes, okay? So we have a lot of time left. So should we do what? Should we do a few more questions of this? I'll just pick up a few questions and we will do those. Okay, so let's do this one. Sine x minus sine y by cos x plus cos y. How will we simplify this? What can we do in this? बताइए सर. साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी और कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी. हाँ, डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ आइडेंटिटी. साइन कॉमन लेंगे? नहीं, पहले आइडेंटिटी लगाएंगे, राइट? क्योंकि अभी तो हम कुछ भी कॉमन है नहीं हमारे पास, ठीक है? तो हम साइन एक्स माइनस साइन वाई की आइडेंटिटी लगाएंगे. वो क्या होती है? टू साइन ए प्लस बी. ठीक है, उसमें एक साइन की टर्म होगी, एक कॉस की टर्म होगी, ये याद है, राइट? अब ये है कि कहाँ पे प्लस आएगा, कहाँ पे माइनस आएगा. ये माइनस वाला टू कॉस आएगा. हाँ, टू कॉस आएगा पहले. हाँ, वो पहले बात से फर्क नहीं पड़ता है, आपको जैसी याद है वो मैंने ऐसे लिख दी है. लेकिन ये जब माइनस होता है बीच में, तो साइन में माइनस वाली टर्म आती है, ठीक है? एक्स माइनस वाई बाई टू, और कॉस में फिर आ जाएगी प्लस वाली टर्म. सो दिस इज जस्ट अ वे टू रिमेम्बर. आई मीन सबका दिमाग अलग तरह से काम करता है, ठीक है? तो अगर आप अलग तरह से याद रखते हैं तो वो भी ठीक है, ठीक है? कोई वो इसका कोई सही गलत तरीका नहीं. अब ये कॉस वाला है, तो कॉस वाले में ये प्लस वाला है. जब प्लस वाला होता है तो दोनों टर्म्स जो होते हैं, तो कॉस हो गया हमारे पास, ठीक है? अब दोनों ही कॉस के हैं तो कुछ सोचना ही नहीं है कि कहां क्या आएगा, आप लिख दीजिए, ठीक है ना? अब देखिए कि कुछ कैंसिल हो सकता है या जरूरत नहीं है कैंसिल करने की. ये कैंसिल हो जाएगा, राइट? टू तो हो गई, ये भी होगा, और ये साइन बाय कॉस है, तो यानी कि क्या है ये? सर, टेन एक्स माइनस वाई अपॉन टू बचा है. ये हो गया. ओके, सो लेट्स पिक अनदर क्वेश्चन. Just a second. Do I have some questions? Let me just see. No questions. I don't have, but we'll just take another question from the book. So, let's do this. 10, 4x को 10x की टर्म में एक्सप्रेस करना है.
express 10^4x in terms of 10x. How will we approach a question like this? ठीक है, तो हमारे पास tan 3x तक के फॉर्मूले, राइट, tan 3x तक की आइडेंटिटी है, 4x की नहीं है। तो अब हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं? हमारे पास ऑप्शंस ये हैं, हम चाहें तो इसको ऐसे कर सकते हैं, tan 2x इंटू टू, ओके, तो ये हो गया डबल एंगल आइडेंटिटी, राइट, या फिर हम इसको लिख सकते हैं सम ऑफ एंगल्स आल्सो x प्लस 3x, ये सम ऑफ एंगल्स में आ गया। हमारे पास दोनों ऑप्शन है, विच वन डू यू थिंक विल बी अ इजियर ऑप्शन टू यूज? हाउ विल यू डिसाइड विच वन टू यूज टू सिंप्लीफाई दिस, 10 2x into 2 या फिर 10 x plus 3x? बताइए, क्योंकि करेक्ट चॉइस अगर हम लेंगे तो ही हमारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। किस बेसिस पे ये चॉइस ली जाएगा? Any ideas? देखिए, अगर हम ये चॉइस लेते हैं, ठीक है, कोई कहेगा कि मेरे को तो ये आता है, तो उसमें क्या होगा कि देयर विल बी सम टर्म्स विद 3x क्रिएटेड, पहले ये किया सम ऑफ एंगल्स, फिर 3x का फॉर्मूला है वो, उसमें भी बहुत सारे टर्म्स हैं, फिर वो आएगा, ठीक है ना, जो 3, तो इस तरीके से ये थोड़ा सा लंबा आएगा। और अगर हम ये करेंगे एकदम सिमेट्रिक है, राइट, तो जैसा मैंने कहा था कि जहां पे हम डबल एंगल यूज कर पाएंगे वहां पे थोड़ा सा कैलकुलेशंस इजियर हो जाएगा। तो वी विल ट्राई टू डू इट लाइक दैट, सो वी विल पुट इट एज 10 ऑफ 2 ऑफ 2x, राइट। तो अब हम डबल एंगल आइडेंटिटी लगा देंगे, क्या होती है, 2 ऑफ 10x जो 2x है यहाँ पे, 1 माइनस 10 स्क्वायर 2x, राइट, करेक्ट। नाउ वी कैन यूज द डबल एंगल आइडेंटिटी, 2 सर, हम 10 को भी तो खोल सकते हैं। हाँ, 10 को भी तो हम खोल सकते हैं सर। जैसे कि सर, 10 इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस होता है फॉर्मूला। हाँ, आप कर सकते हैं, वो भी एक ऑप्शन है, लेकिन अगर आप वो करेंगे, चलिए हम वो अप्रोच भी डिस्कस करते, तो हम इसको लिख सकते हैं 10, अभी ये हम जो अभी एक सेकंड, Let me just draw a partition. Okay. तो अगर हम 10^4x को sin 4x by cos 4x लिख के try करें, तो अब देखिए हमारा काम क्या होगा कि पहले हम इसकी identity लिखेंगे, फिर इसकी लिखेंगे, फिर उसमें 2x बचेंगे, फिर उनको further solve करेंगे, और जो हमारा final result आएगा उसको हमें लाना वापस से 10x की फॉर्म में है, तो काफी लंबा सॉल्व तो हो जाएगा लेकिन काफी समय लग जाएगा हमें वो करने में। जब हमें पता ही है कि हमें 10x की फॉर्म में लाना है, तो लेट्स मेंटेन इट इन 10x फॉर्म, राइट।
अगर आप देखें तो हम यहाँ पे केवल दो स्टेप में, ये हमारा पहला स्टेप हो गया और ये सेकंड स्टेप हो गया, वी आर ऑलरेडी इन 10x फॉर्म, एक्चुअली दिस इज द आंसर ऑलरेडी, लेकिन वी कांट लीव इट इन दिस फॉर्म बिकॉज दिस इज नॉट सिंपल इनफ. It is very easy to see that it can be further simplified, right? तो इस तरह के simplifications, क्योंकि already सारे terms 10x हैं, तो आप दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है? एक तरीका, हाँ बोलिए. सर आपने 10 square 2x को 10x suppose 1 minus 10 square x में कैसे करा? सब तो 10 2x होता, 10x का होता है ना, 10 2x का. नहीं मैं नहीं समझा. देखिए ये आइडेंटिटी होती है ना, 10 ऑफ 2a इज इक्वल टू 2 10a बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर, ये होती है ना आइडेंटिटी. तो इसका स्क्वायर आएगा ना, ये 10 स्क्वायर है ना, कहाँ पे, यहाँ पे? Yes, sir. हाँ हाँ, तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा, यू आर राइट, ये बोल रहे हैं आप. Yes, sir. हाँ 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 बिल्कुल ठीक, यहाँ पे स्क्वायर आना चाहिए, तो वो मैं लिखना भूल गया, ठीक है. तो ये हमारा एक्चुअली आंसर आ गया है, लेकिन ये सिंप्लीफाइड इनफ नहीं है, तो हम इसको यहाँ छोड़ नहीं सकते, ठीक है. तो ये हमको जो है थोड़ा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. ओके, सो इस तरह के सिंप्लीफिकेशन में आपको अपना लिखना कम करना है, तो आप t इज इक्वल टू 10x कर लीजिए, ठीक है. तो योर सिंपली इट विल बिकम अ लिटिल बिट इजियर फॉर यू टू डू. सो व्हाट विल वी गेट इज 4t बाय 1 माइनस t स्क्वायर, और नीचे आएगा 1 माइनस, इसको स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है. तो स्क्वायर करने के लिए हम यहाँ करेंगे 4t स्क्वायर बाय 1 माइनस t स्क्वायर होल स्क्वायर. ओके, नाउ वी विल डू व्हाट, वी विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 माइनस t स्क्वायर टू मेक इट अ लिटिल बिट सिंपलर. सो वी विल गेट, ओके फाइन. ओके, नाउ दिस इज प्रिटी सिंप्लीफाइड, बट वी हैव टू ओपन दिस ब्रैकेट ऑल्सो. So what will that be? Okay. Now we are done, right? We can't simplify it any further, right? So we can put our values back for 10x, 1 minus 10 square x. One minus 6 10 square x plus 10 raised to power 4x. Right? Got it? This is our final answer. Okay. तो nutshell में आपको ये identities याद रखनी है और उसके आगे ज्यादा कुछ नहीं है. उसके बाद basic manipulation.